गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर कॉमर्स सेक्शन. टुडे वी गोइंग टू रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिकॉज योर फर्स्ट यूनिट एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम मंडे एंड ड्यू टू दिस देयर इज नीड टू बी अ रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एट अ ग्लांस. सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल रेड चैप्टर्स. As we know that in macroeconomics, the first chapter is net income and its related aggregates, in which the first thing which we have to be remembered, that is the concept of net income, and the concept is that how we can get the GDP. GDP, as we know, that always calculated at the on the market price, and how we get NNP at FC from GDP. That is the concept. As we know that G stands for gross, and when we deduct depreciation cost, debt cost from gross, we get net. And when we again add debt cost, we get gross. So gross or net, how do we get it? It is the difference between gross and net is depreciation cost. The second was domestic and national. So how there is the, what is the difference domestic and national? There was a difference of NFIA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad is the difference between income which is earned by our nationals in foreign territory and by foreigners in our domestic territory. Again, the third concept is market price. Market price and factor cost. So, what is the difference between market price and factor cost? The market price and factor cost, the difference that factor cost consists plus subsidy minus IT, whereas market price consists माइनस सब्सिडी प्लस आई टी. इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है और सब्सिडीज घटता है, वैसे ही फैक्टर कॉस्ट में यानी फैक्ट्री में सरकार सब्सिडी देती है एंड देयर वर नो आई टी. इन दोनों का जो डिफरेंस कहा जाता है वो है एनआईटी. यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए जनरली हमको एनआईटी माइनस करना पड़ता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए जनरली हमको एनआईटी प्लस करना पड़ता है. तो ये कॉन्सेप्ट का हो गया. अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमको क्या देखना है, तो टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर एंड फोर्थ सेक्टर. तो टू सेक्टर में सर्कुलर फ्लो में एक प्रोडक्शन सेक्टर है और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर है. ये टू सेक्टर फ्लो है. टू सेक्टर फ्लो में हम लोग देखते हैं कि दो तीन चीजें हम लोग महत्वपूर्ण जानते हैं टू सेक्टर फ्लो में, कि इन टू सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में एक जो है प्रोडक्शन सेक्टर है, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर है. दूसरी बात है कि प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर से जो फैक्टर्स आते हैं प्रोडक्शन सेक्टर में काम करते हैं, दे अर्न मनी और वेजेस एंड दे गेट दैट मनी टू देयर हाउस होल्ड सेक्टर. तो जो पैसा वो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर कमा कर ले जाते हैं उसको हम लोग मॉनेटरी फ्लो कहते हैं, मॉनेटरी फ्लो. और जो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर फिर प्रोडक्शन सेक्टर में आकर खर्च करते हैं और वस्तुओं सेवाओं को ले जाते हैं उसको हम लोग रियल फ्लो कहते हैं, रियल फ्लो. तो यहां पे ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाला है कि व्हाट इज मॉनेटरी फ्लो एंड व्हाट इज रियल फ्लो. और इसी दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो का जो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, दैट्स मेक अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नथिंग, इट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो, मेक अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. What is the real flow? The flow of goods and services from production sector to household sector is known as real flow. What is the monetary flow? The flow of
money in the form of wages, interest, capital, rent from production sector to household sector in the form of factor cost is known as monetary flow. अब इसमें कभी कभी रिलेशन की बात आती है, तो प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच तो यही दो रिलेशन है मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो का. अगर हम थ्री सेक्टर में बात करते हैं तो तीसरा सेक्टर कौन जुटता है, गवर्नमेंट सेक्टर. और गवर्नमेंट सेक्टर का दो दो रिलेशन होता है, प्रोडक्शन सेक्टर से तीन रिलेशन होता है और हाउस होल्ड सेक्टर से तीन रिलेशन होता है. कौन कौन रिलेशन होता है, तो प्रोडक्शन सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर का रिलेशन होता है. सबसे पहला रिलेशन होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर से वस्तुएं एवं सेवाओं का परचेज करती है, यानी उनका सामान खरीद लेती है. एक दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को सब्सिडी देती है. अगर ऐसी कोई वस्तु प्रोडक्शन सेक्टर उत्पादित करते हैं जो समाज के लिए और लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है, तो उन वस्तुओं के उत्पादन पे सरकार जो है वो सब्सिडी देती है. तीसरा जो रिलेशन है वो है कि प्रोडक्शन सेक्टर पर सरकार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है और प्रत्यक्ष कर लगाती है, जिसका एक रूप जो हम लोग जानते हैं वो है कॉरपोरेशन टैक्स. कॉरपोरेशन टैक्स लगाती है. तो ये तीन रिलेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोडक्शन सेक्टर से. अब हाउस होल्ड सेक्टर की बात हम लोग करते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर का भी तीन रिलेशन है. एक है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को सर्विस और इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, सर्विस और इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, यानी सरकारी नौकरियां जो सरकार देती है वो है. दूसरा रिलेशन है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को बहुत सारे सोशल सिक्योरिटीज देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ योजना, इंदिरा आवास योजना, दैट्स ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटीज वर गिवन बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर. और तीसरा चीज है कि इन दोनों चीजों के बदले गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस लेती है, वो है डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स. तो वहां पर ये तीन रिलेशन हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से. अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी, तो इसमें चौथा सेक्टर जो जुड़ता है वो जुड़ता है एक्सटर्नल सेक्टर. और एक्सटर्नल सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर से डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, इस एक्सटर्नल सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेशन है कि जितने भी तरह के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं तो ऑल द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑल द पेमेंट्स मेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट्स वर मेड ऑन गवर्नमेंट अकाउंट. तो एक्सपोर्ट के लिए जो भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं वो गवर्नमेंट अकाउंट पे रिसीव करते हैं. एक्सटर्नल सेक्टर को जितने भी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर जितने भी एक्सपोर्ट किए गए उसके लिए जो भी पेमेंट्स हैं वो हम गवर्नमेंट अकाउंट पे रिसीव करते हैं, और जितने भी इम्पोर्ट्स किए गए उसके लिए भी जो पेमेंट हम मेड करते हैं टू दी डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज वो भी हम गवर्नमेंट अकाउंट पे करते हैं. तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब इसका तीसरा पार्ट जो है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो मेजरमेंट में हम लोग जानते हैं कि तीन मेथड होते हैं. पहला है प्रोडक्शन मेथड, या इसको हम लोग टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, या इसी को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या टोटल आउटले मेथड. तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय कैसे जोड़ते हैं, तो इसमें राष्ट्रीय आय को जोड़ने के लिए जो है वी टेक ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स फॉर फ्रॉम ऑल सेक्टर्स एंड डिडक्ट ऑल इंटरमीडिएट वैल्यूज फ्रॉम फाइनल वैल्यूज. यानी सभी क्षेत्रों के जो अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र हैं उनके हम वैल्यू एडिशन लेते हैं एग्रीगेटिव रूप में, जिसको हम लोग GVA कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल द थ्री सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर प्लस सेकंड सेक्टर प्लस थर्ड सेक्टर एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यानी जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमको नेशनल इनकम मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड में. तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडिशन को लेते हैं और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम घटा देते हैं तो हमको टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाता है,
और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जीवीए जो है ये जस्ट इक्वल टू किसके होता है जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी है उसमें से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को अगर घटा दें, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुए हैं तीनों सेक्टर में और इसमें हर सेक्टर कुछ इंटरमीडिएट यानी कच्चा मालों का प्रयोग किया है दूसरे सेक्टर के, तो उसको घटा देंगे तो हमको जीडीपी एट एमपी जिसको आपके नेशनल इनकम कह सकते हैं वो आपको मिल जाता है। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमको क्या चीज जोड़ना है ये सबको पता है। इनकम मेथड में हम जोड़ते हैं सीओई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इतना करते ही आपको क्या मिल जाता है, जब आप इनकम मेथड में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आप कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हम लोग जानते हैं तीन तरह का होता है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें होती हैं, कौन कौन, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फिर दो भाग होता है, तीन भाग होता है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स और कॉरपोरेशन टैक्स। इसके बाद से मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज प्लेन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, और इस तीनों चीज को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो आपको इनकम मेथड से जब भी राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप ये प्राप्त कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है हमारा, तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग को जोड़ना पड़ता है पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चौथा चेंज इन स्टॉक तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है, चौथा हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। और ये चार आइटम को जैसे ही हम जोड़ते हैं हमको मिल जाता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस शामिल होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये तीनों मेथड से हम लोग राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नेशनल इनकम में आपको इतने ही टॉपिक का रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट में इन सब बातों को याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्कुलर फ्लो और तीसरा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और इसमें तीनों मेथड को हमको कंसीडर करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर, चैप्टर टू, और चैप्टर टू जो है वो है राष्ट्रीय, चैप्टर टू है आपका मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग में जो है मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या देखना है, सबसे पहले मनी, तो मनी का डेफिनेशन, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद से मनी का एवोल्यूशन क्यों हुआ, तो मनी का एवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो कठिनाइयां थी और अर्थ ह्यूमन सिविलाइजेशन को गति प्रदान करने के लिए देयर इज नीड ऑफ ए सच ए कॉमन थिंग विच इज इजिली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एंड मेक द एक्सचेंज प्रोसेस स्मूथ, सो मनी इज इवेल्युएटेड। देन आफ्टर व्हाट इज बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम जो है, बार्टर सिस्टम को हम लोग C2C सिस्टम भी कहते हैं, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम भी कहते हैं। और बार्टर सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि बार्टर सिस्टम रिफर्स दैट सिस्टम इन विच वन कमोडिटी और ए ग्रुप ऑफ कमोडिटी गेट एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी, एंड इन दिस सिचुएशन देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स है कितने प्रॉब्लम्स है, हमको लगता है कि चार प्रॉब्लम्स है। एक है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस वाला प्रॉब्लम है, जिसमें कि इंसिडेंस
जिसमें कि आपको ए पर्सन हैव टू फाइंड दैट सच एंड एग्जैक्ट पर्सन हुज नीड एंड एबिलिटी ऑफ गॉड शुड बी इन वाइस वर्सा फॉर्म, तो और टू फाइंड दैट सच पर्सन इज वेरी रेयर एंड डिफिकल्ट एंड ड्यू टू दिस सिस्टम इज विड्रॉल फ्रॉम इकोनॉमी, जिसमें एक आदमी को ठीक वैसा ही आदमी को खोजना पड़ता था जिसकी जिसके पास वस्तु की उपलब्धता और उसकी जरूरत जो है वो एक दूसरे के ठीक विपरीत हो, वाइस वर्सा हो, तो जाकर के ये एक्सचेंज प्रोसेस संभव होता। तो ये डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम। दूसरा था स्टोर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम। स्टोर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि जब व्हेन द वैल्यू वर कंसिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, देन इन दैट सिचुएशन इफ ए पर्सन विलिंग टू बिकम अ रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और विलेज, देन दैट पर्सन हैव टू बी मेड ए स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एवरीथिंग, एंड इट इज क्वाइटली इम्पॉसिबल फ्रॉम टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टोर ऑफ वैल्यू इज अ बिग प्रॉब्लम। तीसरा क्या था? तीसरा था कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, देयर वर नो नॉट अ सच आइटम विच कैन मेजर द प्रॉब्लम, मेजर द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स, मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी प्रॉब्लम था। उसके बाद से था चौथा प्रॉब्लम क्या था कि डिफॉल्ट पेमेंट, डिफॉल्ट पेमेंट कैसे होंगे, यानी डिफॉल्ट पेमेंट को हम लोग कहते हैं फ्यूचर पेमेंट, पेमेंट फॉर फ्यूचर, ये भी एक प्रॉब्लम था। डिफॉल्ट पेमेंट में अगर 6 महीना पहले किसी का गाय लिए, अब 6 महीना बाद वापस करें तो वो बहुत सारे ऑब्लिगेशन कर सकता है कि हमारी गाय मोटी थी, पतली हो गई, गोरी थी, काली हो गई, ज्यादा दूध देती थी, कम दूध देती, एंड देयर वर नो वे टू कॉम्पेंसेट दैट डेप्रिशिएशन, बिकॉज एनी गुड्स और थिंग गेट डेप्रिशिएटेड विद टाइम, एंड इन बार्टर सिस्टम देयर वर नो वे टू कॉम्पेंसेट दैट डेप्रिशिएशन ऑफ गुड्स एंड थिंग्स विच हैपेंड विथ टाइम पीरियड, एंड ड्यू टू दिस इन बटर सिस्टम पर्सन हैव टू कैरी ऑब्लिगेशन लाइफ टाइम, बट इन नाउ डेज विथ इंटरेस्ट रेट वी कैन मेक इजी डिफॉल्ट पेमेंट। तो देर आर लॉट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम अंडर बटर सिस्टम, एंड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम बटर सिस्टम विथड्रॉल एंड मनी वर इवेल्युएटेड। नाउ द फंक्शन ऑफ मनी, देखिए प्राइमरी फंक्शन मनी का है कि हम एक्सचेंज के लिए उसका प्रयोग करते हैं, दूसरा है कि वो मेजरमेंट करता है प्रोडक्टिविटी का, देर आर लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ मनी। इसके बाद से है मनी के टाइप्स कितने हैं, तो मनी जो है वो मुख्यतः 4 रूपों के होते हैं। पहला है कि फुल बॉडीड मनी, जिसको आप लोग कहते हैं गोल्ड और सिल्वर जो है वो फुल बॉडीड मनी है, फुल बॉडीड मनी पूर्णकाय मुद्रा, इट रेफर्स दैट टाइप ऑफ मनी इन विच देर इज इंट्रेंसिक वैल्यू एंड देन इट डिड नॉट नीड एनी सपोर्ट टू वर्क एज ए ट्रांजेक्शन। तो ये गोल्ड और सिल्वर जो है इनका आंतरिक मूल्य होता है और इन्हें किसी भी तरह के ऑथराइजेशन और सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी, यानी 500 और 100 का जो आपका नोट है ये रिप्रेजेंटेटिव मनी है, इनके फेस वैल्यू हाई होते हैं, हाई देन द मटेरियल फ्रॉम विच दे मेड ऑफ, यानी जिससे ये मटेरियल से बने होती है, होते तो कागज के हैं लेकिन इनका फेस वैल्यू बहुत हाई होता है, बट दैट टाइप ऑफ मनी हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू, इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, एंड दैट टाइप ऑफ मनी नीड टू बी गेट अ सपोर्ट ऑफ एक्सचेंज, गेट अ सपोर्ट एंड ऑथराइजेशन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस पर जब तक आरबीआई का गवर्नर या आपका मॉनेटरी अथॉरिटी जो है उसका सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये फंक्शन नहीं कर सकते। तीसरा मनी होता है फिएट मनी, ऑल करेंसी एंड कॉइन्स वर नोन एज फिएट मनी। चौथा होता है क्रेडिट मनी, द मनी विच इज क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इज नोन एज क्रेडिट मनी। तो ये सब मनी है 3-4 तरह के। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि मनी का डेफिनेशन जो सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी हम लोग जानते हैं, डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स हम मनी का डिमांड क्यों करते हैं, 3 मोटिव से करते हैं, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों जो होते हैं वो इनकम इलास्टिक होते हैं और
स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, यानी इसका डिमांड जो है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। अब है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है। सप्लाई ऑफ मनी में हम लोग देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो आरबीआई के अनुसार चार तरह के सप्लाई होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, जिसमें कि M1 कैटेगराइज एज द मोस्ट लिक्विड मनी एंड मोस्ट नैरो मनी। अदर हैंड M2 जो होते हैं वो M1 प्लस टाइम ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स होते हैं, M3 जो होते हैं वो M1 प्लस ऑल टाइप्स ऑफ टाइम डिपॉजिट होते हैं, और M4 जो होते हैं M3 प्लस ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी हो गया, मनी का डेफिनेशन हो गया, बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम हो गए, मनी के टाइप्स हो गए। इसके अलावा मनी में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग बैंकिंग में। बैंकिंग में क्या करना है, तो बैंक में आपको मेन है कि बैंक में आपको करना क्या है कि बैंकिंग चैप्टर में बैंकिंग में तो सबसे पहले आपको कमर्शियल बैंक, बैंक का डेफिनेशन या कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन एक ही है, बैंक रेफर्स दैट बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन एंड इट वर्क एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन दोज टू पर्सन हु हैव सरप्लस ऑफ फंड्स एंड दे नीड टू बी डिपॉजिटेड एंड हु हैज lacking of funds and they need to be borrowed. So between these two institution, between these two people's bank act as an intermediary institution, and that the bank which perform that type of function is known as commercial bank. So commercial bank hai. Ab hai ki dusra jo hai central bank hai. Commercial bank ke function kya hai? Commercial bank ka function hai accepting deposit. Pehla hai accepting डिपोजिट फ्रॉम पीपल्स एंड वेरियस फॉर्म, टाइम डिपोजिट, रेकरिंग डिपोजिट, सेविंग डिपोजिट, करेंट डिपोजिट, और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स दे बैंक ऑलवेज यूज टू गिव द एडवांस टू द रिक्वायर्ड पर्सन, और इसलिए एडवांसिंग लोन, दैट इज द टू इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बहुत सारे एजेंट के फंक्शन है, लॉकर फैसिलिटी देना, बहुत तरह के कस्टोडियन बनना, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करना। इसके बाद सेंट्रल बैंक हम लोग जानते हैं कि हमारा एपेक्स बैंक होता है, मॉनिटरी अथॉरिटी होता है।